फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आ रहा है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आने वाला है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज टॉप फैशन ब्रांड्स पे ऑफर। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की ऑफिशियल डेट निकल के आ चुकी है हमारे पास, जो कि है 29 सितंबर से। हाँ, 29 से। ये साल की सबसे बड़ी सेल होती है जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट अमेज़न पे देखने को मिलती है। काफी सारे लोग इस सेल का वेट करते रहते हैं पूरी साल, और इसमें हमें आईफोन सबसे ज्यादा डिस्काउंट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एप्पल अपने नए मॉडल हर साल सितंबर में लॉन्च करता है और अपने पुराने फोन के प्राइस थोड़े से कम कर देता है। और बाकी फ्लिपकार्ट अमेज़न तो है ही है प्राइस को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा बैंक वाले भी मदद करते हैं अपने कार्ड देके डिस्काउंट देके, तो सारा कुछ मिला के प्राइस बहुत कम हो जाता है। और साथ में पुराने वाला स्टॉक उनको निकालना भी रहता है, तो प्राइस थोड़े और कम कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है सेल से पहले, तो शुरू करते हैं। इस सेल का जो एक्सेस है वो फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबर के लिए और अमेज़न पे प्राइम मेंबर के लिए एक दिन पहले दे दिया जाता है, और सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें उसी टाइम देखने को मिलता है। तो आपने सबसे पहले फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबर या तो अमेज़न में प्राइम मेंबर बन जाना है। अगर बाय एनी चांस आप नहीं ले पाते तो अपने दोस्त से जुगाड़ कर लेना है। फ्लिपकार्ट में मोस्टली ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे हमें डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि इस बार भी मिलेगा, तो आपने कार्ड का जुगाड़ कर लेना है। और अमेज़न पे हमेशा की तरह SBI हमें देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चाहे आपको SBI के लंच टाइम से परेशान होना पड़े, पर इनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपको अप्लाई कर लेना है, या तो किसी दोस्त का ले सकते हैं, वो अलग मैटर है थोड़ा, पर आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। नंबर थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, सेल के टाइम पे ना लाखों लोग एक साथ फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे घुस जाते हैं, तो जो एप्लीकेशन है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, PC है, तो आपने सबसे पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न की वेबसाइट पर जाके लॉग इन कर लेना है। अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल पहले से आपने डाल के रखनी है और एड्रेस भी पहले से डाल के रखना है, जिससे आपका चेकआउट जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले। हाँ, सच में। नंबर फोर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सेल के टाइम पर ना फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं। पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई है ना, ऐसे कैसे होने देगा। फ्लिपकार्ट हमें ओपन बॉक्स डिलीवरी प्रोवाइड करता है, इसमें जो डिलीवरी बॉय होता है उसको हमें सामान दिखाना रहता है, मतलब डब्बा खोल के दिखाना रहता है। अगर सामान बिल्कुल ठीक होगा तो उसके बाद वो उसको डिलीवर करेगा, पर अगर सामान कुछ गलत आ गया, कुछ टूटा फूटा या गलत चीज आ गई, तो वो उसको डिलीवर नहीं करेगा, वो कंपनी को वापस चला जाएगा। पर अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी ना मिले बाय एनी चांस, तो आपने डिलीवरी बॉय के सामने बॉक्स को ओपन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका वीडियो बनाना है। अगर आपको गलती से साबुन बाबुन आ गया, लक्स का, लाइफ बॉय का, कहीं गलती से आ गया, तो आपने वहीं से कस्टमर केयर को कॉल करना है, उनको बताना है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। उनको ऐसा भी बताना है कि मेरे पास प्रूफ है, वो वीडियो मांगते हैं, वेरीफाई करते हैं, और मोस्टली केस में आपका पैसा वापस आ जाता है। आपका पैसा फिर भी ना आए बाय एनी चांस, वैसे तो आता ही है, 100% आता है, पर अगर ना आए तो आपने कंज्यूमर कोर्ट पे कर देना है, जिससे आपका पैसा तो आएगा पर उसके साथ में हरासमेंट का थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। ये आपने सिर्फ तभी करना है जब आपके साथ फ्रॉड हो, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आपको हो सकती है अगर ऐसे ही कर देंगे तो। कौन सा आईफोन खरीदने वाले हैं आप इस बार, कमेंट में जरूर बताएं, एंड इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।